हिस्ट्री देखे ना डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी उस वक्त अय्यूब का जो दौर था ना, दैट वाज द बेस्ट पीरियड जिसमें डेवलपमेंट हुई। आपके सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, अय्यूब के जमाने में लगे, जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी जिसको उसने अपना वो 10 साल तरक्कियाती जो दौर का जो जश्न भी बनाया, और उसने तरबेला डैम उस वक्त लगा, स्टील मिल उस वक्त लगी, मगला डैम उस वक्त बना, ये सारे जितने भी बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं उसके दिनों में बने। फिर उसके बाद उसका जवाल आ गया। फिर उसके बाद एक दौर आया भुट्टो का, भुट्टो ने एक ड्रीम दिया कि हमें एटम बम बनाना चाहिए। जी उसके ऊपर काम हुआ, साइंटिस्ट इन्होंने दूसरे मुल्कों में भेजे, वो वहां से वहां सारे का सारा स्टडी करके आए, कुछ मटेरियल लेके आए, वहां से छुपा के लेके आए मटेरियल, जर्मनी से खरीदा वो मटेरियल लाया, रिएक्टर इन्होंने खरीदा। जब एटॉमिक बम बन गया ना, जी जी पूरी कौम की मेंटेलिटी चेंज हो गई। पूरी कौम ने यह कहा, सोचना शुरू कर दिया कि अब तो हम सुपर पावर हैं, हमें हम इसके आगे हमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा उस एटॉमिक बम का कि पाकिस्तान ने दूसरे सेक्टर्स में तरक्की करना छोड़ दी। आप इसकी पूरी अगर हिस्ट्री देखें तो वो एक होता है जिसको आप कहते हैं कि फ्लाई कर जाना डेवलपमेंट में, उस वक्त जी पाकिस्तान फ्लाई करने के उसके ऊपर था अय्यूब के बाद के जमाने में। जी लेकिन जी जब एटॉमिक बम बन गया तो हमने ड्रॉप होना शुरू हो गए हम उसके, इसलिए कि हमें तकबर आ गया कि जी साढ़े को तो एटॉमिक बम भी गया, हम तो किसी भी मुल्क के साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उसमें डेवलपमेंट का जो इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू था, उसमें जो एजुकेशन का जो इशू था, वो सारे का सारा जो है वो नीचे उसका ग्राफ चला गया। बिल्कुल सही तो बात। आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, मुल्क की डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, उनको सबसे बड़ा मसला अपनी सर्वाइवल का पेश आता है। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी सर्वाइवल के लिए बंदे तोड़ती है, खरीदती है, बेचती है, ये करती है, वो करती है, इसी चक्कर में रह जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो एनुअल बजट है ये कभी भी डेवलपमेंटल बजट में कंसिडर नहीं होता। डेवलपमेंट बजट वो होते हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म मंसूबे होते हैं, 35 ईयर, 50 ईयर, ये मंसूबे होते हैं। पाकिस्तान में ये है ही नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान में यह है नहीं। में जी ये है ही नहीं है कि जी 35 ईयर्स प्लान क्या है। हम छोटी सी काउंटी में मैं काम करता हूँ, ठीक है, हमारे पास जो रोड्स का 35 ईयर्स प्लान बना हुआ है। जब हमें कहते हैं जी कि नेक्स्ट ईयर आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसमें से पिक करते हैं, गवर्नमेंट को भेज देते हैं फंडिंग के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे जो अदारे हैं, छोटे छोटे जो एजेंसीज हैं, वो काम करती हैं अपना जो प्लान जो है 35 ईयर्स या 40 ईयर्स या 50 ईयर्स बना के रखती हैं। हमने यहाँ पे नहीं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। आप किसी पॉलिटिशियन से पूछे कि आप अगले 10 साल में एजुकेशन लेवल आपका स्टैंडर्ड किस का होगा, कितने परसेंटेज आप इंक्रीज करेंगे, आप अपना क्या पॉपुलेशन का आपका क्या टारगेट है, आप सनअती तरक्की में कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अगले 35 ईयर्स में क्रिएट करेंगे, Nobody can give you any suggestions, nobody can give you any figure, सिर्फ और सिर्फ हम आएंगे और हम IMF के साथ ये मुआहदा करेंगे, ये तोड़ देंगे, ये कर देंगे, फलाने से कर्जा ले लेंगे, फलाने से कर्जा ले लेंगे। इसलिए वी आर इन ए केओस, वी आर लिविंग इन ए केओस। जी गौरी साहब, आखिर में आपको ये आखिर में तजिया बताएं दें कि ये हमारा जो प्रोग्राम था जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया कि सियालकोट का जो वाकया हुआ उस पर मसीहियों का किरदार तो वाकई बड़ा ही क्या कह लें कि काबिले मुजम्मत भी था, मुजम्मत इसके इस लिए हवाले से। मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ उसका, कि क्या 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 चीजें कब हुई, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। जी, गौरी साहब आप अपना कुछ जी तजिया दें। सर मैं जिया, क्या बड़े लोग बैठे हैं तो, लेकिन मैं बड़े अदब से सर से इख्तलाफ करूंगा। एक तो मैं ना डेमोक्रेटिक बंदा हूँ, तो मैं जमहूरियत का बहुत बड़ा मुद्दा हूँ, ठीक है। आमिर जो है ना, इसने इस मुल्क का बड़ा नुकसान किया, आमिरियत ने, आमिरियतों ने नुकसान किया है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे आज सारे मसाइल हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह हमारे 35-40 साल जो आमिर यहाँ पे रहे हैं सीधे इक्तदार में, और बाकी देर बाकी भी उन्हीं की बहुत सारी हुकूमत पस पर्दा रहती है,
तो इन्होंने बड़ी तारीफ कर दी, तीन दरिया बेच के चला गया जी। तो उसके बाद पाकिस्तान खुश्क साल की तरफ जा रहा है, तो तीन दरिया उससे बेचे थे जी, आप पढ़ लीजिएगा तारीख जो है ना। मैं तारीख का तालिब इल्म भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो हम सिर्फ एक ही रुख से चीजों को देखते हैं। तो हमें मेरे उस्ताद कहते हैं कि हमें एटम बम की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत ऐसा आठवीं तो कुवत है जिसको अपने एटम बम की हिफाजत की बताना पड़ता जी, हम महफूज हाथों में तो वो हमारी हिफाजत नहीं कर रहा, हम उसकी हिफाजत करने की हमें कस्में लेनी पड़ती है ना सर, उसका हमें तो कोई फायदा नहीं है जी। तो देखें बात यह है कि एशियन टाइगर कभी बन रहा होगा मुल्क, लेकिन देखें इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है ना जी वो आबादी है, आबादी के होते हुए हमें किसी बम की जरूरत ही नहीं है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना जी कि अगले मतलब मैं क्या बताऊं, अब दुनिया का छठा सातवां बड़ा मुल्क है जी हम, और हमारे वसाइल कहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद जो है आमरियत जो है हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो बजट है वो कौन ले जाते हैं सबको पता है, और उसके डेवलपमेंट के क्या बात करें, 1% या 2% वो एजुकेशन को देते हैं, एजुकेशन के नाम पे कुछ वो भी वापस चला जाता है। अच्छा फिर मजहब के नाम पे जो सियासत है ना, उसने इस मुल्क का जो सर मेरे से शायद खिलाफ कर रहे हैं, मेरा मेरी बात मान लें कि जो ज्यादा तशरीफ लाए थे ना इस मुल्क में, जो वो बीज बो गए हैं ना मजहब के नाम पे, एक बड़ा बुरा जर्नैल आया उसने तबाह कर दिया हमें, मजहब के नाम पे तकसीम कर दिया असला क्लैशन को ऑफ कल्चर, और फिर वो सारी मतलब अफगान रेफ्यूजीज और पता नहीं क्या क्या और ये पोर्टर वगैरह भी उसी की देन है। तो कहने का मतलब है जो जमहूरियत है ना जी, मैं क्योंकि जमहूरी एक आदमी हूँ, डेमोक्रेट हूँ, मैं समझता हूँ कि जो लोग आप वहाँ बैठे हैं तो ये आप तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई जर्नैल ये कह नहीं सकता कि हम हालत जंग में है तो मुझे एक्सटेंशन दे दें। तो यहाँ पे तो मतलब ये मजाक की बात है ना, तो आपने क्योंकि इस बंदे की तारीफ की तो मैंने इसलिए उसकी तारीख दुरुस्त की है कि ये भी तारीख का एक पन्ना है कि उसने हमें खुश्क साली की तरफ धकेल दिया, तीन दरिया बेच गया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा मुझे। तो बाकी जो चीज है ये इस पे जो सियासत हो रही है जिस खड़े के लेवल पे सियासत होती है, जो बातचीत होती है, मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए और तहम्मुल बर्दाश्त और रवादारी जो क्रिश्चियनिटी का खासा है। मैं एक बात कर लूंगा, जैसे आप लोग बैठे हैं आप ये मेरी बात को सेकंड करेंगे, मैं जब 7th क्लास में था, पता था ना मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे जो बड़े भाई थे वहाँ स्कूल से पढ़े थे, तो हमारे टीचर मुस्लिम थे वो सारे, वो कहते थे आप क्रिश्चियन जो है ना आप लोग झूठ नहीं बोलते और आप लोग कसम नहीं खाते। सर ये मेरे टीचर ने मुझे कहा था, आपके बड़े भाई मेरे से पढ़े हैं, आप लोग झूठ नहीं बोलते क्रिश्चियन और कसम नहीं खाते। और सर हम आप क्या नहीं करते आप बताएं, हम आप क्या नहीं करते, मतलब ऐसा हमारा इतनी गिरावट आई है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात की जी। तो इस पे जी 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 प्लीज आप अगर सर को बात कर ले, फिर अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं। नहीं नहीं बहुत अच्छी आपने बातें की हैं, ये वाकई सही है। वो चूंकि बताना चाहते हैं वो सारा जो वहां पे वाकया हुआ वो मुख्तसरन जो है वो 3-4 मिनट के अंदर बताएं ताकि हम इसको वाइंड अप करें। जी जी आज का जो प्रोग्राम है वो कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है। हमारे साथ आज एवरेज जॉन साहब अमेरिका से, तारिक महमूद गौरी साहब और आसम खन्ना साहब यूएसए से हमारे साथ हैं, मेहमान हैं। जी जी ये जैसे आपके जो आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है ना उसके हवाले से आई टेक ओनली 5 मिनट्स ये सारा उसका कौन सा वाकया कहाँ पे पेश आया और कैसे हम ये कहते हैं कि मसीहियों को इस्तेमाल किया गया, इसमें मसीहियों को कैसे इस्तेमाल किया, मसीह लीडरशिप को कैसे इस्तेमाल किया गया। जी शुरू ये ऐसे होता है कि जब पीटीआई अनाउंस करती है जलसे का 14 तारीख को वहां पर जलसा होगा, ये 2nd of May को एप्लीकेशन देती है